जय हिंद साथियों, नमस्कार। जिनका भी आज ट्रिपल सी का एग्जाम है उन्हें अभैक्सल कंप्यूटर की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ऑल दी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हो और सभी लोग एस ग्रेड से ट्रिपल सी का एग्जाम टॉप करिए। दोस्तों, आज की इस क्लास में फरवरी 2021 में जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। साथ ही साथ एग्जाम से पहले आपके पास समय है तो आप ट्रिपल सी की 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और जिन्हें पीडीएफ की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस के पीडीएफ के लिंक दी है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभैक्सल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, URL में अधिकतम कितने वर्ड होते हैं। अब यहां पर बात हो रही है URL की, तो URL का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और इसमें अधिकतम वर्ड की बात करें तो राइट आंसर होगा इसका 255। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बुकमार्क का प्रयोग क्यों करते हैं। दोस्तों, बुकमार्क का ऑप्शन आपको कहां पर मिलता है, आप सभी MS ऑफिस यूज करते थे वहां पर MS वर्ड में, या फिर आप लिब्रे ऑफिस यूज करते हैं तो वहां पर राइटर के अंतर्गत आपको बुकमार्क मिल जाता है। तो बुकमार्क का उपयोग क्या होता है, जिन्होंने MS ऑफिस और लिब्रे ऑफिस सीखा होगा उन्हें पता होगा, अगर आपने नहीं सीखा है तो चैनल को विजिट कीजिए, वहां पर आपको MS ऑफिस की भी वीडियोस मिल जाएंगी और लिब्रे ऑफिस का भी ट्यूटोरियल मिल जाएगा, जहां पर आसानी से आप राइटर या वर्ड को सीख सकते हो। तो बुकमार्क का उपयोग करते हैं हम पेज को याद रखने के लिए। ठीक है, जो भी आप लाइन है, जो पैराग्राफ है, उसको आसानी से याद रख सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा स्टोरेज किसमें होती है बताइए, CD, DVD, फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क। CD का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। ऐसे ही DVD का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, या डिजिटल वीडियो डिस्क भी इसको हम कहते हैं। ऐसे ही आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है HDD का फुल फॉर्म, तो HDD का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो सबसे ज्यादा स्टोरेज किसमें होती है, हार्ड डिस्क के अंतर्गत होती है। ठीक है, पेज के कौन कौन से मोड होते हैं बताइए, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आप MS ऑफिस यूज करते हैं, एक्सेल यूज करते हैं, लिब्रे ऑफिस यूज करते हैं, वहां पर आपको पेज के मोड मिल जाते हैं। कहां पर मिलता है आपको, पेज लेआउट के अंतर्गत मिल जाता है। तो पेज लेआउट में आपको लैंडस्केप और पोर्ट्रेट ये दोनों मिल जाएंगे, जिसको आप ओरिएंटेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन थर्ड, दोनों। अब नेक्स्ट, पायलट प्रोजेक्ट योजना 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च की गई थी बताइए, पायलट प्रोजेक्ट योजना काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल सी में कई बार ही क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो बिल्कुल सही है, पायलट प्रोजेक्ट योजना 11 अप्रैल 2016 को ही लॉन्च की गई थी। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में सेल एडिट करने की शॉर्टकट की क्या है बताइए, सॉरी, सेल को ऐड करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की, यहां पर ये सारा उल्टा हो गया है, कंट्रोल प्लस ऐसे होना चाहिए था। तो आपके ऑप्शंस यहां पर है, पहला कंट्रोल के साथ में प्लस, दूसरा कंट्रोल प्लस एंड, तीसरा कंट्रोल प्लस से प्लस सी, एंड तीसरा है कंट्रोल प्लस से प्लस प्लस, सेल ऐड करने की शॉर्टकट की। तो यहां पर विद प्रैक्टिकल आपको समझाते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में, यहां पर लिब्रे ऑफिस कैल्क आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अब यहां पर हमसे ये पूछा गया है कोई सेल ऐड करना है, तो देखिए सेल ऐड करने का मतलब, जैसे यहां पर हमने लिखा क्या, अब है, और दूसरे में हम लिख लेते हैं कंप्यूटर, सॉरी एक्सेल, एंड देन कंप्यूटर। अब इसके बीच में हमें कोई सेल चाहिए तो हम कंट्रोल के साथ में प्लस प्लस करते हैं, जब आप कंट्रोल के साथ में प्लस प्लस करोगे तो इंसर्ट सेल का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। यहां पर शिफ्ट सेल डाउन, शिफ्ट सेल राइट, इंटायर रो या इंटायर कॉलम का ऑप्शन मिल जाता है।
मीन्स अगर यहाँ पर हम सेल इंसर्ट करेंगे तो जो प्रेजेंट टाइम का सेल है इसे आप नीचे भेजना चाहते हैं या फिर राइट साइड में करना चाहते हैं, तो इसे हम नीचे रखना चाहते हैं तो यहाँ पर इस ऑप्शन पे सेलेक्ट करके और यहाँ से ओके कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सेल इंसर्ट हो गया है। ठीक है, तो सेल को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस प्लस का उपयोग करते हैं। ऐसे ही अगर यहाँ पर पूरा हमें कॉलम चाहिए तो इसको सेलेक्ट करके भी हम कंट्रोल प्लस कर देंगे तो यहाँ पे पूरा कॉलम आ जाएगा। ऐसे ही रो चाहिए तो रो को सेलेक्ट करना है और कंट्रोल के साथ में प्लस प्लस करना है, रो आपकी इंसर्ट होती चली जाएगी। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, कंट्रोल के साथ में प्लस। अब नेक्स्ट, डिजी लॉकर की शुरुआत भारत में 2016 में हुई थी। डिजी लॉकर का मतलब क्या हो गया, डिजिटल लॉकर, तो बिल्कुल सही है, डिजिटल लॉकर की शुरुआत भारत में 2016 में ही हुई थी। अब नेक्स्ट, इकोग्निटो मोड इन ब्राउजर, जब आप ब्राउजर ओपन करते हैं चाहे गूगल क्रोम हो या अन्य कोई ब्राउजर है तो वहां पर दो मोड आपको मिलते हैं, जहां पर ये मोड आपका क्या है ये आपको बताना है। तो यहां पर विद प्रैक्टिकल मैं आपको बताता हूं, गूगल क्रोम यहां पर हम ओपन कर लेते हैं और गूगल क्रोम के अंतर्गत हम आपको बताते हैं कि ये ऑप्शन क्या दिया गया है। अब दोस्तों यहां पर साइड में ये थ्री डॉट दिए गए हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर दिया गया है इस विंडो का ऑप्शन, यहां पर आप क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने ये विंडो ओपन हो गई है, जहां पर साफ साफ लिखा है नाउ यू कैन ब्राउज प्राइवेटली, मीन्स ये क्या है, प्राइवेट है, यहां पर जो चीज चाहें आप आसानी से सर्च कर सकते हैं और इसमें हिस्ट्री का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। ठीक है, यहां पर देखिए डाउनलोड है, बुकमार्क्स है, लेकिन हिस्ट्री का ऑप्शन नहीं दिया गया है, मीन्स जो भी आप चाहें यहां पर सर्च करेंगे वो कलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, समझ गए, तो ये हो गया आपका प्राइवेट, ऐसे आप नॉर्मली यूज करते हैं तो आपका पब्लिकली होता है, मीन्स सारा डाटा आपका सेव होता रहता है। अब नेक्स्ट, चीन का सर्च इंजन कौन सा है, डकडकगो, बैजू, गूगल या ask.com। अब यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है, तो सभी नाम नोट कर लीजिएगा, ये सभी आपके सर्च इंजन हैं, चाहे गूगल हो, बैटू हो, डकडकगो हो या ask.com। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा सर्च इंजन है या कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो चीन का पूछा गया है तो चीन का सर्च इंजन कौन सा है, इसमें बैटू। ठीक है, काफी बार ट्रिपल सी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब नेक्स्ट, ईमेल एड्रेस के दो भाग @ सिंबल से अलग किए जाते हैं, बताइए क्या होगा। तो ईमेल एड्रेस दोस्तों ये कुछ इस प्रकार होता है, सबसे पहले आपका यूजर नेम, देन यहां पर @ का सिंबल और फिर आपका क्या होता है, डोमेन नेम। ठीक है, याद कर लीजिएगा, यूजर नेम, डोमेन नेम, इन दोनों चीजों से मिलकर बनता है और इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, @, और जो जोड़ने का काम करता है वही तोड़ने का काम भी कर रहा है, मीन्स यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करने का काम कौन कर रहा है, तो @ ही कर रहा है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन और आता है कि ईमेल एड्रेस के कितने भाग होते हैं, तो ऐसे ही तो ईमेल एड्रेस के दो भाग होते हैं, यूजर नेम और डोमेन नेम, अगर @ को भी हम काउंट करें तो तीन पार्ट इसके हो जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल बॉक्स में मेल लाने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, बताइए। आप चाहते हैं कि आपके मेल बॉक्स में मेल आ जाए, मीन्स मेल बॉक्स में मेल लाने का मतलब हो गया मेल को डाउनलोड करना, तो इसके लिए हम उपयोग करते हैं POP3 का। कई तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेल प्राप्त करने के लिए हम किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, POP3। मेल लाने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं, तब भी POP3। मेल डाउनलोड करने के लिए किसका करते हैं, तब भी POP3 ही आपका राइट आंसर होगा। POP3 का फुल फॉर्म क्या है, ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होता है दोस्तों, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ऐसे ही इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में और पूछा जाता है कि मेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं उनको आप जरूर नोट करिएगा, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो मेल भेजने के लिए हम उपयोग करते हैं SMTP का। किसे यूज करते हैं, SMTP का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है,
तो SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है दोस्तों? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अब बात आती है IMAP। तो IMAP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। क्या होता है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। जल्दबाजी में यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, इसीलिए आप उसे ना ध्यान दीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, ये आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, UPI पिन की अधिकतम लंबाई कितनी होती है बताइए? UPI पिन की अधिकतम लंबाई 4, 6, 5 या 3? दोस्तों UPI पिन की अधिकतम लंबाई होती है 6 डिजिट की, इससे ज़्यादा का UPI पिन आप नहीं लगा सकते हैं। UPI क्या है आप सभी जानते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। UPI का फुल फॉर्म बहुत बार 666 में पूछा गया है, क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो उसे भी आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आप 666 के लिए एक PDF चाहते हैं तो वीडियो के नीचे एक PDF मैंने दी है, जहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट 2000 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप 666 टॉप करना चाहते हैं तो उस PDF को जरूर डाउनलोड करिएगा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, QSAM सेवा का लाभ उठाने के लिए किस कोड का प्रयोग करते हैं बताइए? QSAM सेवा का लाभ उठाने के लिए किस कोड का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों QSAM सेवा ये क्या होता है? आधार सीडिंग की स्थिति जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। आधार सीडिंग का मतलब कि हमारे अकाउंट से आधार कार्ड लिंक है या फिर नहीं लिंक है, ये सारी चीजें चेक करने के लिए हम QSAM सेवा का उपयोग करते हैं, और इसके लिए हम उपयोग करते हैं *99*99#। नोट कर लीजिएगा *99*99#। अगर पूछता है USSD के लिए तो राइट आंसर क्या होगा? *99#, ठीक है? अब नेक्स्ट, EITS स्टैंड फॉर, EITS का फुल फॉर्म क्या होगा बताइए? काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए EITS का फुल फॉर्म। तो EITS का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर सिस्टम, ठीक है? नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में बस इतने क्वेश्चंस, मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ अगर आप इस परिवार में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शाम को 7:30 बजे, तब तक के लिए बाय बाय।